अरे गाड़ी हो चुकी है पूरी फुल। यहाँ पे जो है संदीप आया था। संदीप तू यहाँ पे क्यों आया था? दांत दिखाने के लिए? डॉक्टर दादी ही वाला वक्त इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में कोविड की जो है बीमारी की वजह से हर किसी इन्फेक्शन ना हो, किसी और कोई बीमारी ना हो, बच सके आदमी। तो अभी जो है मैं और मनीष जा रहे हैं बिरकवाल के हॉस्पिटल में। मैंने जो है वैक्सीन लगा ली है, तो अभी जो है मनीष को लगवाने जा रहे हैं। और अगर आप भी 18 प्लस हो तो आप भी जरूर लगाएं वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन है ज़रूरी। तो अभी जो है हम यहाँ पे हैं नौगांव में। यहाँ पे जो है आड़ू और आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है नौगांव में। और यहाँ से जो है वो दिखता है हमारा गाँव, वो हमारे गाँव का जो है गेट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है, यहाँ पे आपको जो है चाय आराम से मिल सकती है। और ये नौगांव का बस स्टॉप है, और यहाँ से जा रही है रोड। मनीष से कहाँ जा रही रोड? ये रोड जा रही है केदार गली। केदार गली से रसिया महादेव। वो है पूरा बिरकवाल मार्केट, और वो वाला गांव है मल्ला डुमेला। और अभी जो है यहाँ से जो है बिरकवाल हॉस्पिटल यहाँ से शायद आधा किलोमीटर होगा। तो आज जो है हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, हमें अभी रास्ते में मिले थे। तो अभी जा रहे हैं मैं और मनीष, तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज बिरकवाल का हॉस्पिटल। और ये जो है अपने गाँव के, ये गम्मा और संतू है, ये जा रहे हैं रिखाड़। चलो मिलते हैं शाम गाँव में। तो ये स्टॉप है बिरकवाल का, जो हॉस्पिटल है उसका स्टॉप ये है। और ये रोड जा रही है बैजरो, और हमें जाना नीचे क्योंकि जो रोड है ये सीधा वहीं तक जा रही है हॉस्पिटल तक। रोड ठीक है मनी से नीचे आने के लिए? आधी ठीक है, आधी ठीक है। अच्छा ले मनीष, मनीष आ गए आओ। हाँ जी भाई नीचे जाऊँ मैं मोड़ पे। तो ये जो है हॉस्पिटल का गेट है, और यहाँ से होती है एंट्री। चला जा। ब्लॉक्स न्यूटन क्लीन है यहाँ पे नहीं। और ये हमारे अमित भाई हैं तलाई वाले। और बढ़िया आज कैसे यहाँ पे वैक्सीन लगवाने है सवारी? वैक्सीन है। अच्छा लगवा दी? अभी लग रहा है बेहोश से हो रहे हो। अब दवाई अब दवाई लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से वो असर करेगी। है ये पूरा आगे हॉस्पिटल ही है मनीष। ताई रुको, हाँ कहाँ जा रहे हो आज आप? इंजेक्शन लगवाने? इंजेक्शन लगाना है नाक पर। अच्छा नाती पे? अच्छा पैर डॉस है। अच्छा अच्छा ऊपर जाओ सीधा खाली ऊपर तो अभी। और ये और हमारे गांव के लोग आते हुए हाँ लगवा लिया हमने। भीड़ रखी है? हाँ भीड़ मास्क।
मास्क पहन लो, नहीं जाओ खाली है, खाली खाली लगवा भी दिया गए और आए हम तो हाँ हाँ लगा हमसे भी आधार कार्ड हाँ फोन लाया अपना बस ये हो गया हो गया तो यहाँ पे लग रही है मनीष को वैक्सीन, ये है मनीष का पहला डोज। मनीष डरते लगा तुझे, डर डर के आगे जीत है भाई, कैमरा बंद नहीं होगा इस टाइम। हुआ कुछ फील हुआ, कुछ दर्द हुआ? महंगा सही है फिर भी। अच्छा आप कुछ कहना चाहोगे कि वैक्सीन लगाना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, मेरा वीडियो बना रहा था। हाँ, हाँ। जरूरी है ना वैक्सीन लगाना? जरूरी है बेटे। तो कुछ दो लाइन कहना चाहोगे आप कि क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में कोविड की जो है बीमारी की वजह से हर किसी इन्फेक्शन ना हो, किसी और कोई बीमारी ना हो, बच सके आदमी हर चीज। क्योंकि अभी भी जो है बहुत से गांव में जो लोग हैं वो नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे क्यों? क्योंकि उनको भी प्रेरित करना है, हम लोगों को नहीं करना है। जैसे आप लगा के आप बोलेंगे कोई दर्द नहीं, मैंने लगवा लिया, मैं भाई को लगवाना है बस, ऐसे आपने भी प्रेरित करना है उनको। ओके थैंक यू। पहले फोन नंबर दिया वही दो, ये आ गए हमारे गांव के और लोगों को ले दिया आप सब आ रहे हैं, सबको ले गए आज गांव वाले को। अच्छा बताओ हुआ दर्द, पेन हुआ आपको? नहीं बिल्कुल पेन नहीं हुआ है। अब सीधा घर जाना, सीधा करना आराम, नहीं तो बुखार आ जाएगा सीधा। अंदर से जो है यहाँ का जो व्यू है ऐसे दिखता है, आज यहाँ पर थोड़ी भीड़ है पर जगह जो है काफ़ी साफ सुथरी है, और हमारे गांव के लोग भी यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। मनीष ने जो है लगवा लिया वैक्सीन, चल भाई चल आ जा। यहाँ पे जो हमें एक भैया मिले, भैया जो है तलाई के हैं और भैया ने हमारी वीडियो देखी भी है और हमारे जानकार भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भैया जो हमारे दीदी रहती है फैसले में, दिक्कत दीदी उनके भाई है ना, बड़े भैया छोटे भैया? छोटा छोटा भैया। अच्छा ये गवर्नमेंट है प्राइवेट में आता है? ये अब अंडर गवर्नमेंट में आ गया। अच्छा अंडर गवर्नमेंट है ये पूरा हॉस्पिटल है, और वो क्या क्वार्टर उनके वहाँ पे? ये डॉक्टर्स के क्वार्टर वगैरह है। अच्छा यहाँ की फैसिलिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं डॉक्टर साहब को बताओ, आप बोल देना अभी तो जो हो रहा है क्या चल रहा है, फैसिलिटी सबको होगी ना? हाँ एक होता है ना सब सबके लिए फैसिलिटी, टाइम लगेगा उसमें, टाइम तो लगेगा ही, वो तो हर चीज में टाइम लगता है, जब उत्तराखंड डेवलप होता है टाइम तो लगता ही है। देखो अभी यहाँ पे जब नया नया चल रहा था, नया नया उसमें टाइम तो लगेगा, महीने लगेंगे अभी, इतना मतलब एक्सरे मशीन वगैरह सब है यहाँ पे, बाकी सब बाकी यहाँ पे टाइम लगेगा, उसका रूम वगैरह नहीं यहाँ पे, रूम बनेंगे रूम के मुताबिक सेट होंगे। अच्छा ऑपरेटर आएंगे। ओके थैंक यू। आज जो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है पर एक है 5-10 मिनट में वैक्सीन जो है लग जाती है, मनीषपुर में गए बुक करवाया और तुरंत लग भी गई। और एक गाड़ी हो चुकी है पूरी फुल,
यहाँ पे जो है संदीप आया था। संदीप तू यहाँ पे क्यों आया था? दांत दिखाने के लिए? डॉक्टर दादी ही वाला वापस आ गया। आके दिखाई इतना बड़ी इसकी लॉइस किस तो अब जो है मैं और मनीष जा रहे हैं अब गांव की और बाकी जो लोग गांव के और वो भी जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो उसको करते हैं एंड। तो कैसे लगा आपको वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।